दर्शन कहाँ हो आप? अनुराग यार, आपने गौरी जी को देखा है? नहीं, आप ही के साथ होगी ना? हाँ, हमारे साथ थी, पर आपको भी पता होना चाहिए ना। अरे कैसी बात कर रहे हो? देखिए क्या हुआ कि हमने उनके साथ ना थोड़ा सा मजाक कर दिया, तो नाराज होकर चली गई। पर अच्छा मुझे एक बात बताइए, उनको तैरना आता है? तैरना? हाँ? नहीं, कभी पूछा नहीं, पता नहीं हमें। अरे शिव, कमाल करते हो, आपको ये भी नहीं पता कि उनको तैरना आता है या नहीं। ठीक है, रिलैक्स। एक काम करते, आप अंदर देखिए, मैं यहाँ दिखता हूँ। हमारी बीवी यहाँ पर गायब हो गई, आप कह रहे हैं कि अंदर देखिए? अभी बहस करने से क्या फायदा, आप अंदर देखिए, मैं इधर देखता हूँ। देखो यार प्लीज। हाँ। गौरी जी नहीं मिल रही, तुम हमें यहाँ लेके आ गए, चॉकलेट की दुकान है यार। शिव, गौरी जी मिल जाएगी, तू आ, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? गौरी जी नहीं मिल रही है। चॉकलेट? वो तुझे चॉकलेट पूछ रही है। नहीं खानी चॉकलेट हमें, क्या बातें कर रहे हो तुम? नहीं, यहाँ की बहुत अच्छी होती है चॉकलेट, तू आ, मैं तुझे दिखाता हूँ, जल्दी। अरे शिव, तू ये था? नहीं खानी चॉकलेट है। अरे तू एवढा प्रेमाने विचारते, तो घे तर चॉकलेट। चॉकलेट? अरे जी आप, ये क्या क्या कपड़े हैं? मैं कहाँ चली गई थी आप? तुला सरप्राइज द्यायचं होतं ना म्हणून। आपके सरप्राइज के चक्कर में जान चली जाती हमारी। काय काय बोलतोस तू? सॉरी, पण हे बघ ना, हे चॉकलेट मी बनवलंय स्वतःच्या हाताने तुझ्यासाठी, खूप प्रेमाने। तुला आवडलं नाही का माझं सरप्राईज? नाही गौरीजी, बहुत अच्छा लगा सरप्राईज। आणि मी कशी दिसते? चॉकलेट की डॉल की तरह। बताते है गे, मी स्वतः बनवलं हे चॉकलेट, हे सगळं मी केलं। अनुरागशी बोलून हे सरप्राईज ठरवलं। सॉरी, आप भी इनके साथ? यार जान चली जाती हमारी यार। आपके साथ मिलके हम मैडम के लिए सरप्राइज प्लान कर सकते हैं, तो उनके साथ मिलके आपके लिए क्यों नहीं? थैंक यू सो मच अनुराग, तुमच्यामुळे हे सगळं शक्य झालं। तुम्ही एन्जॉय करा, मी आहेच। कमाल करती है गौरी जी, जैसे सरप्राइज अच्छा है आपका। चलिए चॉकलेट को खिला दीजिए। कैसे ही सांगा थी? बहुत अच्छे। नहीं सुनिए, मैं तुला शिकवते चॉकलेट बनवायला। जौनपुर वाली? जी माताजी। भाई कितनी देर है खाने में? बस माताजी, हो गया बस।
विश्राम जल्दी करो। जी भाभी जी। रुको रुको, हम तुम्हारी मदद करते हैं। लाओ डब्बा हमें दो। हाँ हाँ, अरे अरे हम करते हैं। अरे करते हैं। माता जी रहने दीजिए, हम कर लेंगे माता जी, वरना फिर बाद में आप हमें ताने देंगे और इस बार हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हाँ अरे बर्दाश्त कर लो जौनपुर वाली, वो कहा है कि जब तक हम तुम्हें एक दो ताना ना मार लेना भाई, हमारा तो खाना हजम नहीं होता। और वैसे भी हमें अपनी ट्रेनिंग पे पूरा भरोसा है। हाँ, वो तुम्हारी तरह ऐसे कमजोर नहीं है। ये अभी जैसे तुम अभी लंगड़ा के चल रहे हो वैसा कुछ नहीं है। देखा माता जी, आपने फिर हमें ताना मार दिया ना। विश्राम जा ले जाओ ये दुकान। जी माता जी। चलिए आप भी खाना खा लीजिए, हम आपकी थाली लगा रहे हैं। अरे अभी रहने दो जौनपुर वाली, हैं? ओ, तुम एक काम करो, पहले जाकर ना अपनी पगलट बहू को खाना दे आओ, हैं? फिर हम दोनों सास बहू मिलके खाना खाएंगे। माता जी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरला बेवकूफ का क्या करें। राम के साथ साथ ना उसने हमारा जीना भी मुहाल कर दिया है। अरे जौनपुर वाली, वो कहते हैं ना कि सीधी उंगली से घी ना निकले, हैं? तो फिर क्या करना चाहिए, हैं? जानती हो ना, जानती हो ना। जाओ जाके अपनी पगलेट बहू का दिमाग ठिकाने लगा के आओ। जी माता जी। ये देखो, हमारी जिंदगी खराब करके महारानी आराम से टीवी देख रही है। जो तू कर दे इशारा। ओ कलयुग की गांधारी सरला देवी, तुम्हारे लिए खाना लाए हैं। बंद तो नहीं कर दिया ये, एक ही जीने का सहारा है हमारा, इसे भी छीन लो हमसे। ए भोलेनाथ, और ये फिल्मी नमूना हमारे घर में क्यों भेज दिया? अच्छा अम्मा जी आप हैं, वही तो हम भी सोचे कि और कौन हो सकता है जिसे हमारा सूखा खड़ता हो। इस बेवकूफ से बहस करने के बजाय इस टीवी को यहाँ से हटाने की बात करेंगे ना, तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। सरला अब बताओ भला, ऐसे टीवी सुनने से क्या फायदा है, हैं? अब देख तो तुम सकती नहीं हो। तो हम क्या कह रहे थे कि बिल्लू इलेक्ट्रिशियन से कह के हम ये टीवी ना अपने कमरे में लगवा लेते और तुम्हारे कमरे में वो रेडियो रखवा देते हैं। नहीं वो क्या है, अब तुम्हें तो जिंदगी भर ये आंखों में पट्टी बांध के इसी कमरे में रहना है। क्या हुआ अम्मा जी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? नहीं क्या है सरला, हमसे ना तुम्हारा दुख देखा नहीं गया तो हमने ना राम से बात की और राम के बाबूजी से भी बात की, पर देखो ना राम तो तुम्हें किसी भी हालत में स्विट्जरलैंड ले जाने के लिए तैयार ही नहीं, और उसके बाबूजी ने तो साफ मना कर दिया हमसे। सरला हमने तो बहुत कोशिश की, अब क्या करें, कोई मान ही नहीं रहा है। हाँ ये लो ये लो, ये पकड़ो, लो लो। हाँ खाना खा लो, है खाना खा के आराम करना, हम अभी थोड़ी देर बाद रेडियो रखवाते हैं तुम्हारे कमरे में, ठीक है? अच्छा हे भगवान, ये जिद तो हम पर ही भारी पड़ गई। हमें ना गौरी की बराबरी नहीं करनी चाहिए थी, अब तो सारी जिंदगी इसी कमरे में सड़ना पड़ेगा। क्या हो गया?
हम यहाँ से ट्रेन लेंगे और यहाँ से ट्रेन से हम इंटरलाकन सिटी जाएंगे, ठीक है? तिथे आपला भरत साइट सिंग है आणि पुढचा जो काही प्लॅन आहे तो मी तिथे गेल्यावर सांगेनच. पण सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तुमचे जे तिकीट्स आहेत ते नीट सांभाळून ठेवा. मी एका ग्रुप बरोबर याच ट्रेननी पुढे जातोय. मी तुम्हाला तिथे डिरेक्टली भेटेन. ओके ओके अनुराग, सो एन्जॉय युअर ट्रेन राईड. थँक्यू, बाय बाय. थँक्यू. किती वाजले? टाइम है ट्रेन आने में? मम्मी बसते. एक फोटो लेते हैं ना आपकी, आइए ना फोटो लेते. हे ठेव, मागे जा ना. हे ठीक है, बहुत अच्छी. बघू, बहुत सुंदर है. अपन सेल्फी काढू, ठीक है? हाँ दीजिए ना, हम निकालते हैं. थाम थाम ही काटते. हम निकालते हैं ना. एक मिनट रुकिए, ये पकड़िए. हे दिसते? हाँ दिसते दिसते दिसते. हाँ इधर. वैसे आज आपने जो ये गौरी जी और सेनोरिटा शुक्ल का जो कॉम्बिनेशन किया है ना, बहुत कमाल लग रहा है. अच्छा. थैंक यू. यू आर वेलकम. कैसा लग रहा है सब कुछ? खूब मस्त. चिमटा काढ मला. चिमटा? आ हळू काढ ना. काय नाही, मला ना असं स्वप्नात असल्यासारखं वाटतंय. शिव, टीसी येते, तिकीट्स काढून ठेव आपले. टिकट्स ना? काय झालं? तिकीट्स काढून ठेव, ती जवळ आली. हा टिकट्स नाही हमारे पास. हे बाई, मस्करी करायची वेळ नाही आहे. टिकट्स काढून ठेव, ती आली. मजाक नाही कर रहे हम, टिकट नाही हमारे पास. टिकट्स पाउच में थे, वो कहीं छूट गए. छूट गए म्हणजे कुठे? नाही पता. तुला कळते की नाही तू असं बेजबाबदार का वागतोस? तू त्यात आपले पासपोर्ट पण होते. तुला कळते की नाही आपण वेगळ्या देशात आहोत, इथले नियम आपल्याला माहित नाहीत. आपल्याकडे पासपोर्ट नाही, तिकीट पण नाही. काय दाखवणार होत आपण त्याला आणि काय करणार होत आपण? काय सांगायचं त्यांना? शांत हो जाय. काय शांत हो, तुला कळत नाही किती बेजबाबदारपणे वागतोस. देखने दीजिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है गौरी जी. यही तरीका हमारे पास, और कोई तरीका नहीं. ऐश्वर्य राय और अजय देवगन का सीन देखा है ना? कोई ऑप्शन नहीं है. चुप. हमारा प्लान काम कर गया, बच गए. खरं गेली कधी? Hello, Mr. Akshay Devan. I'm a big fan of Bollywood. I have seen Hum Dil Le Chuk Sanam 3 times. Ticket, please. Hello, ma'am. Actually, amchakade na tickets hote,
ते काय झालं हे यांचं पाऊच विसरले पण आमच्याकडे तिकीट आहे आणि पासपोर्ट आहे ते हम बात कर रहे थांब ना actually what happened was the tickets were in the pouch so we lost the pouch so if you have lost your ticket you have to buy a new one but we have the tickets they're in the pouch please give us some time please you don't have money don't you don't have credit card nothing sir paise ghum tak na aata hai paise pouch mein the na paise pe pouch mein the passport pe pouch mein tu kya karta hai tu lo karta hai ka आता काय करणार होता आपण पैसे पण नाही आपल्याकडे एक सेकंड मॅम जस्ट फोन जस्ट अ मिनिट इनको फोन लगाते लगाव आता लागला काय झालं शिव व्हॉट्स द प्रॉब्लेम मॅडम They don't have tickets. No, ma'am, actually they have their tickets, but they've left their pouch at the last station by mistake. I'm Anurag from Veena World. So we'll buy the new tickets now. That's fine, right? Yeah, it's okay, it's fine. Shiv, tu atta navin tickets ghe, he ke paise, purcha apan bagu. Ma'am. Hey? The tickets are here. Thank you. Thank you. Enjoy your trip and be careful next time, please, huh? Thank you. Thank you very much. Okay. Bye-bye. Thank you. Thank you, Anurag. Itni tension mein the ki bhool hi gaye ki aap isi train mein. Par aapko kaise pata laga ki hamara pouch chhut gaya? Eka manchala tumcha pouch station var sapadla ani tani amcha local office var phone kela. Mhanun amhala hi sagal kalam. Ha, par pouch koi leke aa raha hai na? हाँ हाँ आता तुमचा पाऊस डायरेक्टली इंटरलाकन स्टेशनला मिळेल ओके थँक यू नो प्रॉब्लेम रिलॅक्स मिळेल इथेच पाऊच मिळेल आपल्याला अनुराग फ्रॉम वीणा वर्ल्ड येस येस योर पाऊच थँक्यू व्हेरी मच हा घ्या तुमचा पाऊच थँक्यू सो मच Thank you so much, ma'am. You're welcome. And be more careful next time. Ji, thank you so much. Right. Sure. Thank you, ma'am. Thank you. Ata hi meet sambhavun thev. Sorry Anurag, amcha mule tumhala tras zala. Te No problem. He milale te mahatvacha. So relax and enjoy the place. Yes. Okay? Mi lagetcha bagto. Okay. क्या हुआ गुस्से से क्यों देख रही हैं हम अरे गौरी जी अब क्या हुआ गौरी जी सुनिए क्या हो गया हाँ गौरी जी सुनिए ना गौरी जी क्या हुआ गौरी जी बताइए ना क्या हुआ है काहीच झालं नाही फक्त थोड्या वेळाने आपण जेल मध्ये असतो ऐसे कैसे जेल में होते हम है ना तुला काहीच वाटत नाही का बाबा असायला हवे होते आपके बाबा हमारे हनीमून में क्या करेंगे तू उगा से तो बाजा बाबा ना कहीं बोलू नको सा नहीं नहीं आप हर बात गलत समझ रहे हैं गौरी जी छोटी सी गलती हो गई हमसे माफ कर दीजिए प्लीज छोटी सी ही तुला छोटी सी गलती वाटते शिव तू पाउच मतलब टिकट विसरलेस आणि उद्या मला विसरशील आणि म्हणशील छोटी सी गलती हो गई गौरी जी माफ कर दीजिए मैं काय करूं पाउच में फिट नहीं होंगे आप बेफिक्र रहिए आपको नहीं भूलेंगे काही कर तू कळत नाहीये का शिव ती टीसी आली होती मला वाटलं सगळं संपलं आता आणि तू बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है सरोरिटा हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं गौरी जी तुला काहीच कसं कळत नाही आता कोणत्या भाषेत समजाव मी अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में जुट जाती है तुला काय करायचं ते कर मी जाते यश जी अगर ये हमसे प्यार करती हैं तो पलट के जरूर देखेंगी पलट
पलट पलट। तुम नहीं समझोगे शिव बाबू, कुछ कुछ होता है। सेनोरिटा।